पाकिस्तान 76 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में अगले 4 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से कर्ज मांगा है। वहीं IMF जल्द अपनी शर्तों की फाइनल लिस्ट पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक की तैयारी चल रही थी। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। ISI और लश्कर का लिंक भी सामने आया है। गिरफ्तार आतंकी जाहिद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और उसे हैंड ग्रेनेड सप्लाई किए गए थे। रामचरितमानस विवाद पर सियासी बयानबाजी बढ़ती चली जा रही। हालांकि अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने ही जाल में फंसे नजर आ रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस विवाद के बाद पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे थे। अब सपा गठबंधन के अपना दल कमेरा वादी के अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने सपा नेता के बयान पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विनोद कांबली एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं। इस बार उनकी पत्नी ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शराब के नशे में कथित रूप से गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे अपनी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को स्लीपर कोच के साथ लाने जा रही है। इस साल दिसंबर तक पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही अगले साल के अंदर वंदे भारत की तर्ज पर ही वंदे मेट्रो शुरू करने की योजना है।